फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रोलर एंड मिडिल बियरिंग के ऊपर है। चलिए जान लेते हैं रोलर बियरिंग के बारे में। रोलर बियरिंग बाहरी व भीतरी मेंबर्स में खांचा बने हुए रेस के साथ मिलती है। इसका चयन किसी रेस को लॉक करने की आवश्यकता है इस पर निर्भर करता है। रोलर बियरिंग रेडियल जनरल लोड को उठाने तथा समान साइज की बॉल बियरिंग से अधिक त्रिज्यीय भार को उठाने के लिए बनी है। आप यहाँ पे फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं, फिगर नंबर 2 में भी देखिए, स्वतः संरेखित रोलर बियरिंग के बारे में दर्शाया गया। स्वतः संरेखित रोलर बियरिंग में बैरल आकार के रोलर तथा बाहरी रेस में बैरल आकार के रोलर तथा बाहरी रेस में गोलाकार छिद्र होता है। बहुत भारी त्रिज्यीय भार के लिए दोहरी पंक्ति रोलर बियरिंग भी उपलब्ध होती है। सुई बियरिंग, निडिल बियरिंग, बहुत छोटे से व्यास के रोलर जिन्हें निडिल रोलर कहते हैं, फिगर नंबर 3 में दर्शाया गया है। इस प्रकार की बियरिंग वहाँ पर उपयोग की जाती है जहाँ हाउसिंग में बियरिंग के सीमित स्थान के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित होता है। फिगर नंबर 4 में वृत्ताकार पिंजर में फिट किए हुए निडिल को दर्शाया गया है जो अपनी हाउसिंग में पुश फिट किए होते हैं। इस डिज़ाइन में निडिल सॉफ्ट जर्नल बियरिंग संपर्क में होती है। कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, ये बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ त्रिज्यीय भार को लेने के लिए भी डिज़ाइन की हुई है। फिगर नंबर 5 में कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग एकल पंक्ति में दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं आप फिगर नंबर 5 में गौर से। टेपरित रोलर बियरिंग, ये उच्च स्थान अच्छी थ्रस्ट भार को लेने के लिए उपयोग की जाती है जहाँ त्रिज्यीय भार की अपेक्षा अच्छी थ्रस्ट अधिक होता है। वहाँ पर कम टेपर शंकु वाले टेपर रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। ये बियरिंग केवल एक दिशा में थ्रस्ट लेने के लिए बनाई गई है। जहाँ पर विपरीत थ्रस्ट हो वहाँ पर बियरिंग को विपरीत दिशा में एक जोड़ में लगाया जाना चाहिए। थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ये बियरिंग ऊर्ध थ्रस्ट भार लेने के लिए उपयोगी होते हैं किंतु ये कोई भी त्रिज्यीय भार नहीं ले सकते। विशेष थ्रस्ट बियरिंग भी फिगर नंबर आप 12 में देखेंगे तो 36 सिरा थ्रस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ फिगर नंबर 7 में आप देखिए, फिगर नंबर 8, बियरिंग घूमने वाले शाफ्ट को की सपोर्टिंग मेंबर्स है। उन्हें जब अच्छी तरह से लगाया तथा बनाए रखे जाए तो सुरक्षित तथा विश्वसनीय सर्विस देती है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग भी कहते हैं। इस बियरिंग में संपर्क वाले एलिमेंट में रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होता है। बॉल बियरिंग में पॉइंट संपर्क होता है जबकि रोलिंग बियरिंग में लाइन संपर्क होता है। ध्यान रखिए, बॉल बियरिंग में पॉइंट और रोलर बियरिंग में लाइन संपर्क। रोलिंग एलिमेंट आप देख सकते हैं, इसमें डायग्राम को आप देख सकते हैं, इनर रेस दिखाया गया है, बॉल दिखाई गई है, केस दिखाया गया है और ये आउटर रेस दिखाया गया है। तो रोलिंग एलिमेंट में देखिए, रोलिंग एलिमेंट बियरिंग में 4 मूल पार्ट्स होते हैं, इनर रेस, आउटर रेस, बॉल्स या रोलर्स, रिटेनर या केज। इनमें रेस, आउटर रेस तथा बॉल या रोलर्स या बियरिंग लोड को सपोर्ट करते हैं। चौथे पार्ट बियरिंग रिटेनर रोलिंग एलिमेंट की स्थिति के लिए कार्य करता। मटेरियल का चयन तथा मटेरियल की क्वालिटी का नियंत्रण रोलिंग एलिमेंट बियरिंग के निर्माण के निर्णायक होते हैं। ठीक है, बियरिंग स्टील के उच्च स्ट्रेंथ, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, डायमेंशन, स्टेबिलिटी, एक्सीलेंट फैटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए तथा आंतरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए।
उचित फिट का महत्व क्या है? सही फिट के महत्व, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में उचित फिट कार्य करने की लंबी आयु सुनिश्चित करता है। यदि बियरिंग बहुत टाइट फिट है तो आंतरिक रेडियल क्लियरेंस कम हो जाता है तथा उसके कारण रोलिंग एलिमेंट जाम हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप वह समय से पूर्व खराब हो जाएगी। यदि बियरिंग बहुत ढीली हो तो वह लोड नहीं ले पाएगी, अतः उचित फिट अति आवश्यक है। सामान्य अनुप्रयोगों में जब जर्नल या स्पिंडल घूम रहा हो तो आंतरिक रेस में जर्नल इंटरफेरेंस फिट होगा तथा बाहरी रेस में क्लोज पुश फिट होगा। स्टेशनरी स्पिंडल के केस पर जब बाहरी रेस रोटरिंग मेंबर्स हो तो बाहरी रेस तथा हब के साथ इंटरफेरेंस फिट होगा तथा इनर रेस तथा स्पिंडल के साथ क्लोज पुश फिट होगा। टाइटनेस तथा ढीलापन की डिग्री लोड स्पीड तथा बियरिंग के प्रकार पर भी निर्भर करता है। बियरिंग चढ़ाना, बियरिंग माउंटिंग, बियरिंग माउंटिंग बहुत देख रेख के योग्य होती है। जब बियरिंग को स्पिंडल में टाइट फिट किया जाता है तो इनर के फेस पर दबाव लगाना चाहिए। यदि बियरिंग को हाउसिंग में दबाया जाता है तो बाहरी रेस पर दबाव लगाना चाहिए। आप ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पे डायग्राम फिगर नंबर 10 में दिखाया गया, स्लीप दिखाया गया, इनर रेस, ये सारी चीज़ें हैं। सॉफ्ट या हाइजिंग पर पतले लुब्रिकेंट ऑयल को छिड़कें जहाँ पर बियरिंग फिट की जाती है। फिर छोटी बियरिंग माउंटिंग स्लेप तथा हैमर या कॉपर की ड्रिफ्ट तथा हैमर का उपयोग से फिट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर 12 में। माउंट की जाने वाली स्लीप को उसके फेस समानांतर तथा फ्लैट होने चाहिए। बियरिंग को अक्सर चेक करते रहें कि वह हाउसिंग के अक्ष के समानांतर तथा सॉफ्ट के अक्ष के संपूर्ण पर लगी है। जब उचित बियरिंग पुलर उपलब्ध ना हो तो बियरिंग को स्थिति में लगाने के लिए सॉफ्ट मेटल की ड्रिफ्ट उपयोग की जाती है। बियरिंग के इनर रेस पर स्ट्राइक चोट देना करते समय फिगर नंबर 13 में दर्शाया गया है के अनुसार रेस के विपरीत पॉइंट पर प्रगतिशील ढंग से स्ट्राइक करना चाहिए। यह आप देख सकते हैं फिगर नंबर 13। यदि सॉफ्ट के केंद्र में आंतरिक चूड़ियां या बाहरी चूड़ियां हो तो उन्हें बियरिंग को माउंट करने में उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए इस तरह से फिगर नंबर 14 सॉफ्ट विथ इंटरनल थ्रेड फैसिलिटेटेड माउंटिंग। सिलेंड्रिकल रोल बियरिंग में बियरिंग के अलग अलग पार्ट्स को स्वतंत्र रूप से माउंट किया जाता है। कुछ तेल या ग्रीस डालने के बाद पहले आंतरिक रिंग को माउंट करें तथा फिर बाहरी रेस को रोलर तथा केज असेंबली के साथ। जब सॉफ्ट फिट में अधिक क्लियरेंस हो तो किसी को भी सिंकेज फिट का पालन करना चाहिए। ऐसे फिट के लिए फिगर नंबर 16 में दर्शाए गए अनुसार आंतरिक रेस को तेल के बाथ में या एक्सपेंशन की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए 90 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड से बीच में इंडक्शन हीटिंग की विधि से गर्म करना चाहिए। फिगर नंबर 17 रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को किसी भी स्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करना चाहिए। बियरिंग को कमरे का ताप प्राप्त करने के बाद बियरिंग का आंतरिक क्लियरेंस को चेक करें। जब बियरिंग के हाउसिंग में अधिक इंटरेंस हो तो बियरिंग की फ्रीजिंग ठंडा करने वाले चैम्बर पर -20 डिग्री में ठंडा किया जाना चाहिए तथा हाउसिंग के अंदर सरलता से दबाना चाहिए। यह आप देख सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से यहाँ फिगर दिया, पहले ऑयल हीटेड और बियरिंग पहले इसको गर्म किया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर नंबर 17 में किस तरह से इसकी सेटिंग की जा रही है। ये देखिए यहाँ फिलर गैस से इसको चेक किया जा रहा है ठंडा करने के बाद। बियरिंग के आंतरिक रिंग को टेपर्ड बोर के साथ सामान्यतः टेपर एडॉप्टर स्लीप पर या विथड्रॉल स्लीप पर सदैव इंटरफेरेंस फिट के साथ माउंट किया जाना चाहिए। जब बियरिंग को मूल रेडियल पर चढ़ाया जाता है तो उसका इंटरनल क्लियरेंस कम हो जाता है। क्लियरेंस में आवश्यक
कमी को बियरिंग के निर्माता द्वारा दिए गए टेबल से रेफर किया जा सकता है। क्लियरेंस को फिगर नंबर 18 में दर्शाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलर गेज से क्लियरेंस को दर्शाया गया है। और इसी तरह से हम फिलर गेज के माध्यम से इसको नाप भी सकते हैं। बियरिंग की डिसमाउंटिंग, बियरिंग की डिसमाउंटिंग को उचित टूल के उपयोग से उचित सावधानी के साथ लगाना चाहिए। यदि उचित टूल नहीं किए जाते हैं तो तथा सही टेक्निक का पालन नहीं किया जाता तो बियरिंग खराब हो सकती है या फेल हो सकती है। पुलर का उपयोग करते समय पुलर के खींचने वाले लेग्स को आंतरिक रेस के साथ लगाना चाहिए, फिगर नंबर 19 में, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे केस में खींचने वाले लेग्स को स्थिति में लगाने की सुविधा के लिए हम पुलर प्लेट फिगर नंबर 20 का उपयोग करते हैं, जिससे कि दबाव के आंतरिक रेस पर लगे दो पैर के पुलर के साथ, ये देखिए यहाँ फिगर नंबर 19 लगा हुआ 19 है ना, तो इस तरह से फिगर नंबर 19 में देखिए यहाँ पे लगा कि पुलर लगा हुआ है ना आंतरिक रेस के लिए। देखिए पुलर, विशेष पुलर प्लेट का उपयोग किया जाता फिगर नंबर 21, ये पुलर प्लेट का भी उपयोग किया गया फिगर नंबर 20 में, फिर ये विशेष पुलर प्लेट का उपयोग किया गया है फिगर नंबर 21। डिटेचेबल अलग कर सकने वाले इनर रिंग टाइप बियरिंग के लिए हाउसिंग में बाहर रिंग के इंटरफेरेंस फिट हो तो बियरिंग को डिसमाउंट करने के लिए फिगर नंबर 22 दर्शाए अनुसार पुलर खींचने वाले लेग्स को बाहरी रिंग के साथ लगाया जाता है। ये देख सकते हैं फिगर नंबर 22 में किस तरह से हमको इसको लगाना है। डिसमाउंटिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग को बियरिंग पुलर को फिक्स करने के लिए फिगर नंबर 23 में दर्शाए गए अनुसार स्वीवेल किया जाता है। ये देखिए इस तरह से इसको स्वीवेल करेंगे। देख रेख तथा रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस, एक अच्छी बियरिंग को तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कि वह परम आवश्यक ना हो। बियरिंग को गंदगी धूल से मुक्त वातावरण में हैंडल किया जाना चाहिए। सॉफ्ट पर बियरिंग हाउसिंग को वर्ष या खरोंच से मुक्त होना चाहिए। माउंटिंग तथा डिसमाउंटिंग के उचित टूल्स तथा सही तकनीक का पालन किया जाना चाहिए। जिस असेंबली के समय बियरिंग तथा सॉफ्ट के लिए उचित स्पोर्ट्स की व्यवस्था करें। बियरिंग को सीधी चोट नहीं दी जानी चाहिए। बियरिंग को नग्न ज्वाला में गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी लुब्रिकेंट में आग ना लगे। बियरिंग में लुब्रिकेंट के लिए केवल रिकमेंडेड ग्रेड तथा क्वालिटी के लुब्रिकेंट का उपयोग करें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में बियरिंग पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।